Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि और यह चौदहवा लेक्चर है हमारा इसी सब्जेक्ट पे तेरह लेक्चर ऑलरेडी हमने डिलीवर कर दिया है और आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन तेरह लेक्चर हम लोगों ने इसमें कर लिया है तो यह चौदहवां लेक्चर है अब चौदहवा लेक्चर का शीर्षक क्या है इसके पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं कि जो आपके सामने बोल रहे हैं वो कौन जनाब हैं आपको जानना चाहिए तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बी से हुई है और मैं न्यायिक अधिकारी भी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू और इसके बाद मैं पठन पाठन के कार्य में आ गया बारह तेरह साल से ये मेरा अनुभव है मैं पठन पाठन का कार्य कर रहा हूँ ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके साथ अब जो जो विषय है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि ये विषय का नाम है ये क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं हालांकि हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है आपको सिविल प्रक्रिया संहिता ये है एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें ये बताया गया है कि आपके सिविल अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाएगा न्यायालय के द्वारा अगर आपका सिविल अधिकार कोई प्रभावित कर देता है तो आप न्यायालय में कैसे जाएंगे आप न्यायालय में जाकर के क्या कहेंगे न्यायालय आपसे कौन कौन दस्तावेज मांगेगी और अपोजिट पक्षकार को भी बुलाया जाएगा उससे न्यायालय कौन कौन दस्तावेज मांगेगी और दोनों लोगों के सुनने के बाद न्यायालय आपके अधिकारों को संरक्षित कैसे करेगी तो ये पूरा सीपीसी में इस तरीके की बात है और परिसीमा विधि है परिसीमा विधि में यह बताया गया है कि कितने दिन के अंदर आप न्यायालय में जाएंगे कोई अपील है कोई अप्लीकेशन है तो इसको लेकर के अगर आपको न्यायालय में जाना है तो इसकी टाइम लिमिट बताई गई है और टाइम लिमिट परिसीमा विधि में बताई गई है ऐसा नहीं है कि आप कभी भी न्यायालय में जाएंगे आपका मामला आज शुरू हुआ है और आज राइज हुआ है और आप जाएंगे बीस साल के बाद नहीं बीस साल के बाद नहीं जाना है आपको उचित समय में जो टाइम स्टिपुलेटेड है लॉ में उसी टाइम के तहत आपको न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा यह लिखा हुआ है उसमें ठीक है ना तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि है अब इसमें तेरा जो बात हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और आपके साथ मैं चर्चा कर चुका हूं वो क्या क्या है मेनली कुछ बातों पर चर्चा करूं मैं जैसे हम लोगों ने देखा था कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है धारा नौ में लिखा हुआ है धारा नौ में लिखा हुआ है सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है तो विधिक प्रकृति का वाद होना चाहिए सिविल प्रकृति का वाद होना चाहिए तब तो आप सीपीसी में जो इन्वोक करोगे सिविल कोर्ट का तो तो अब सूट आप सिविल नेचर है क्या तो उसमें हम लोगों ने धारा नौ में देखा था संपत्ति से संबंधित विवाद है पद से संबंधित विवाद है तो सूट सिविल नेचर का है ठीक है ना हालांकि बहुत डिटेल इसकी व्याख्या हम लोगों ने वहां पे किया हुआ था इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीसी के अंदर जिसकी व्याख्या हम लोगों ने किया था जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडियस और रेस जुडिकेटा सेक्शन टेन सेक्शन इलेवन तो जजमेंट कर पास करती है डिक्री पास करती है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा उसका क्या प्रोसीजर होगा कितने दिन में पास करेगी यह सब हम लोगों ने देखा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा था कि कोई जरूर नहीं है कि मुकदमा अंतिम ही निस्तारण करेगा कोर्ट कभी कभी बीच में ना एंट्रिम ऑर्डर भी पास करती है तो एंट्रीम आर्डर्स क्या है तो कई एंट्रीम आर्डर्स हम लोगों ने देखा था इस, इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने यह भी देखा था कि कुछ स्पेशल मुकदमे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ सामान्य है कुछ स्पेशल है स्पेशल सूट कौन है जैसे सूट बायर अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट इन देर ऑफिशियल कैपेसिटी अगर आपको सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है अगर आप अवयस्क हैं बच्चे हैं दिमाग के पागल हैं आपको मुकदमा दाखिल करना है तब कैसे करेंगे तो कुछ स्पेशल प्रावधान भी दिए गए हैं उसमें स्पेशल तरीके से सूट फाइल होगा इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है पहले तो इस तरीके से कई ऐसे सब्जेक्ट है इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी व्याख्या कर लिया इस मंच पे अब आज का जो टॉपिक है वो चौदहवां लेक्चर है और चौदाहवें लेक्चर का नाम है विवाद्यक लिखा है अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो लिखा हुआ है विवाद्यक आदेश चौदह लेक्चर भी चौदाहवा है और जो सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान है वो भी आदेश चौदह ही है दुर्भाग्य या सौभाग्य से तो ये दोनों एक ही बात है तो लेक्चर चौदह में आदेश चौदह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो किस चीज की बात करता है विवादकों की बात करता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईसूज़ ध्यान दीजिए आर्डर फोर्टीन सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड ठीक है अब ये क्या है अभी हम इसके रूल्स पे जाएं देर आर सेवन रूल्स ध्यान दीजिए रूल्स कितने हैं आर्डर चौदह में सात रूल्स हैं सात रूल्स हैं आदेश चौदह में सात रूल्स तो इन सातों रूल को एक एक करके और सातों रूल के सब रूल को भी हम एक एक करके यहां पे व्याख्या करेंगे आपके साथ ताकि विवाद्यक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए लेकिन इसके पहले कि हम कानूनी भाषा में जाएं, हम आपको साधारण तौर पे बता दें ये इशूज क्या है ये विवादक क्या है जो आदेश चौदह में लिखा हुआ है विवाद्यक का मतलब ये पेन है इस पेन के लिए मैं मुकदमा दाखिल करता हूं किसके खिलाफ अंकुर जी के खिलाफ मैं मुकदमा दाखिल करता हूं और मैं कहता हूं जज साहब ये पेन हमारी है जबकि अंकुर जी ने जबरदस्ती इस पेन पे कब्जा जमा लिया है ध्यान दीजिए तो अंकुर जी को न्यायालय में बुलाया जाता है समन भेज करके आदेश पाँच के तहत समन जाता है अंकुर जी न्यायालय में आते हैं अंकुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं जज साहब ये पेन तो हमारी है ये तो तिवारी सर की नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं ये पेन तो हमारी है तो मैं इस पेन के ओनरशिप के लिए मुकदमा करता हूं अंकुर जी के खिलाफ और अंकुर जी जब डिफेंडेंट के रूप में आते हैं तो वो भी इस पेन पे ओनरशिप क्लेम करते हैं उनका अपना कथन है मेरा अपना कथन है मैं अपने दस्तावेज और गवाहों को पेश करता हूं वो अपने सपोर्ट में अपने दस्तावेज और गवाहों को पेश करते हैं तो चूंकि हम दोनों लोगों ने इस पे क्लेम कर दिया मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी है वो कर रहे हैं पेन हमारी है तो इसमें झगड़ा क्या है झगड़ा यह पेन किसकी है यही झगड़ा है यही डिसाइड करना है कोर्ट को हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस पेन कौन इसका मालिक है ये जो क्वेश्चन है ना इस पेन का मालिक कौन है इसी को हम बोलते हैं विवाद्यक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं ईसूज डिस्प्यूट बिटवीन पार्टी ध्यान दीजिए पक्षकारों के बीच में विवाद क्या निहित है जो दस्तावेज न्यायालय में आए हैं प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट उसके आधार पर दोनों पक्षकारों के बीच में क्या विवाद है उस विवाद को हम बोलते हैं विवाद्यक ईसूज और कोर्ट का काम क्या है केवल का निस्तारण करना बस कोर्ट दाहिने बाएं नहीं जाएगी हम 20 कहानी कहेंगे कोर्ट में अंकुर जी भी अपने डिफेंस में 20 कहानी कहेंगे कोर्ट में अब कोर्ट हमारी उनकी 20 20 कहानी सुने तो कोर्ट के पास 40 कहानी हो जाएगी तो एक मुकदमे में अगर कोर्ट 40 कहानी के तह हमें जाने लगे तो बड़ा मामला उलझ जाएगा तो न्यायालय क्या करती है न्यायालय बड़े अपने आप को ना सारे गलत चीजों और सारे फालतू चीजों को हटाते छांटते एक रास्ते में चलती है ताकि निर्णय जल्दी दे सके और एक रास्ते में चलने के लिए वो विवाद्यक पे पहुंचती है सबसे पहले व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज तो ये विवाद्यक है विवाद्यक कंसाइज करते हैं मुकदमे को विवादक प्रिसाइज करते हैं मुकदमे को और न्यायालय उसी पॉइंट पे केवल सुनवाई करती है और उसी पॉइंट पे साक्षियों को मंगाती है उसी पॉइंट पे गवाहों को मंगाती है और लास्ट में निर्णय कर देती है तो विवाद्यक बड़े जरूरी चीज हैं जो न्यायालय को सहायता प्रदान करते हैं सिविल मामले को जल्दी से और बहुत ही फेयर तरीके से स्वच्छ रूप में निष्पक्ष रूप में निर्णित करने के लिए विवाद्यक जो है वो सिविल कोर्ट को बहुत अच्छा रास्ता प्रदान करते हैं तो ये जो आदेश चौदह है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदेश है इसमें एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चलमेश्वर जस्ती चलमेश्वर जे चलमेश्वर और उनका इस पे बड़ा डिटेल लेक्चर हुआ था एक बार किसी घटना के समय तो उस समय मैं भी सौभाग्य से मैं भी उस ऑडियंस का पार्ट था और मैं भी सुना था उनको और इस आदेश चौदह में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई तो हालांकि सी सी तो हम लोग भी पढ़ते पढ़ाते हैं क्लासरूम में ऐसा नहीं सी सी हम लोगों को कम आती है और नहीं आती सारे रूल से वाकिफ है सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे इसके सिद्धांत भी कभी कभी व्याख्या कर देते हैं वो लोग जो ज्यादा अनुभवी हैं उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उससे और भी नई चीजें और नई नॉलेज हम लोगों को प्रदान होते हैं तो मैंने उनको भी सुना था इस पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी वो सारी बातें मैंने अभी आपको बताना है तो ये है विवाद्यक अगर आपको समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा विवाद्यक का मतलब एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टीज तो किसी भी मुकदमे में व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज अब डिस्प्यूट एक पॉइंट पे भी हो सकता है डिस्प्यूट दस पॉइंट पे भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि हर मुकदमा में केवल एक ही डिस्प्यूट होगा नहीं एक मुकदमे में दस विवादक भी, भी हो सकते हैं दस पॉइंट पे पार्टियों में वेरिएशन हो सकता है जितने पॉइंट पे वेरिएशन होगा हर पॉइंट पे एक एक, एक इशू बनते जाएंगे और हो सकता है एक मुकदमे में दस इशू हो तो जब दस, दस इशू होंगे तो न्यायालय को दसो इशू को डिसाइड करना है दसो विवादक को डिसाइड करना है कोई जरूरी नहीं है कि दसों को डिसाइड जनरली तो दसों को डिसाइड करेगी लेकिन कुछ अगर कोर्ट को लग रहा है तो बेकार के हैं तो उनको छोड़ भी देगी आउट ऑफ दस केवल आठ ही डिसाइड करेगी तब भी मान लिया जाएगा सूट डिसाइड हो गया कोई जरूरी नहीं है कि सारे विवाद केवल प्लेंटिव के ही फेवर में डिसाइड होंगे या सारे विवाद केवल डिफेंडेंट के ही फेवर में डिसाइड होंगे ऐसा भी कोई केरू नहीं है कुछ विवादक प्लेंटिव कुछ डिफेंडेंट के फेवर में भी डिसाइड हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं तो कहने का मतलब ये विवादक है पार्टियों के बीच में एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है पार्टीज में इशूज क्या है और इन्हीं इशूज को लेकर के न्यायालय अपने आप को कन्फाइन करती है इसी पे गवाहों और एविडेंसेस को मंगा करके मामले को निस्तारित करती है तो यह है विवादक जो आदेश चौदह सीपीसी में वर्णित है अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे अगर आदेश चौदह को आप देखेंगे तो मेनली स्पीकिंग हम लोग इसको तीन भाग में बांट सकते हैं तीन भाग में अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे आप अपना ध्यान लगाएं देखें जैसे हम लोग रहे विवादकों की विरचना की विरचना के लिए इसकी अगली स्लाइड है हमारे पास न्यायालय द्वारा सभी विवादकों पर निर्णय इसके अलावा हमारे पास है सामग्री जिन जिनपे विवादक विरचित होंगे और इसके बाद हमारे पास है परीक्षा नियम चार ये नियम एक से चार तक की जो स्लाइड है ये कोर्ट का कपाफ्टी है ध्यान दीजिए कोर्ट का टी है रूल एक से लेके चार तक कोर्ट्स इशू है ये ध्यान दीजिए ये कोर्ट्स के इशू है ये न्यायालय इश्यू फ्रेम करने के जो न्यायालय द्वारा इशू फ्रेम करने के जो रेगुलेशंस हैं जो नियम है वो रूल एक से लेके चार तक है फिर इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे मैं थोड़ा स्लाइड भगाऊं फिर मैं स्लाइड पे आऊंगा अगर आगे आप चलेंगे तो संशोधन है ये नियम पांच है ये विवाद्यक नहीं करना है ये कोर्ट अमेंडमेंट कर सकती है इश्यूज में जो ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं उसमें कोई गलती हो गई कुछ हो गई तो संशोधन होगा मैं उस पर भी आऊंगा अभी इसके बाद जब आप चलेंगे तब हम देखेंगे तथ्य तथा विधि के प्रश्न पर विवाद्यक ये रूल छ की बात करता है रूल सात न्यायालय के निर्णय की बात करता है तो ये सब आगे के रूल हैं अभी आप इस पे आए कोर्ट्स के इशू के आए कोर्ट्स के इशू रूल एक से लेकर चार तक है रूल एक से लेकर लेके तक तो इसमें न्यायालय इशू फ्रेम करती है अब ध्यान दीजिए रूल एक पे हम सबसे पहले आते हैं रूल एक पे मैं पिछली स्लाइड पे चलता हूं रूल एक विवादकों की विरचना नियम एक सामान्य नियम है इसमें रूल एक किस चीज की बात करता है रूल वन फ्रेमिंग ऑफ इशूज विवाद्यों की विरचना फ्रेमिंग ऑफ इशूज इसमें कई पॉइंट है पांच छे पॉइंट है ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर वन पहला पॉइंट है मटेरियल प्रोपोजिशन ध्यान दीजिए मटेरियल प्रोपोजिशन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेरेक में आप इसको देख सकते हैं मटेरियल प्रोपोजिशन व्हेन मटेरियल प्रोपोजिशन इज एक्सेप्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर ध्यान दीजिए मटेरियल प्रोपोजिशन को एक व्यक्ति स्वीकार करता है दूसरा व्यक्ति अस्वीकार करता है तो यह जो पॉइंट है जिसपे स्वीकार और अस्वीकार किया गया है इसी पे विवादकों की भी रचना होती है जैसे मटेरियल प्रोपोजिशन मान लीजिए पेन है मैं कह रहा हूं यह पेन हमारी है अंकुर जी का नहीं, पेन उनकी है तो मेटेरियल प्रोपोजिशन पेन जो मेटेरियल प्रोपोजिशन है एक्सेप्टेड वन पार्टी एंड डिनाइड अदर तो तो अब इसमें विवादक जो निकल के आएगा पेन किसकी है है तो सब रूल वन बता रहा मेटेरियल प्रोपोजिशन एक्सेप्टेड बाई वन पार्टी डिनाइड बाई अदर अब मेटेरियल प्रोपोजिशन को कानून में कैसे व्याख्या किया गया है मेटेरियल प्रोपोजिशन सब रूल टू इसका देखेंगे रूल एक का सब रूल दो मेटेरियल प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जिसको प्लेंटिव को क्लेम करना है अपने क्लेम को साबित करने के लिए वो प्रोपोजिशन जिसको प्लेंटिव अपने क्लेम को साबित करने के लिए करेगा और वो प्रोपोजिशन जिसको डिफेंडेंट अपने डिफेंस को साबित करने के लिए कहेगा इसको हम मटेरियल प्रोपोजिशन बोलते हैं ये सब रूल टू में लिखा हुआ है रूल वन सब रूल टू में ये बात लिखा हुआ है मटेरियल प्रोपोजिशंस वो प्रोपोजिशन हैं, जिनको प्लेंटिव को अपने क्लेम को साबित करने के लिए बताना पड़ेगा या जिसको डिफेंडेंट को अपने डिफेंस में साबित करने के लिए बताना पड़ेगा ऐसे प्रोपोजिशन को मेटेरियल प्रोपोजिशन कहते हैं और जब मेटेरियल प्रोपोजिशन पे एक्सेप्टेंस और डिनाइल हो जाएगा तो इशू फ्रेम कर दिए जाएंगे तो ये सब रूल वन सब रूल टू अब सब रूल थ्री पे आइए रूल वन में छह सब रूल है मैं आपको बताया सब रूल थ्री में आइए सब रूल थ्री क्या बोल रहा है सब रूल थ्री बोल रहा है हर एक मटेरियल प्रोपोजिशन पे अलग अलग इशू फ्रेम होगा ध्यान दीजिए हर एक मेटेरियल प्रोपोजिशन पे अलग अलग इशू फ्रेम होगा सेपरेट इशू मेटेरियल प्रोपोजिशन नंबर वन मेटेरियल प्रोपोजिशन नंबर टू मेटेरियल प्रोपोजिशन नंबर थ्री तो ये हो जाएगा इशू नंबर वन ये हो जाएगा इशू नंबर टू ये हो जाएगा इशू नंबर थ्री तो ये सब रूल तीन में बताया गया है रूल वन में अलग अलग मेटेरियल प्रोपोजिशन पे अलग अलग विवाद्यक होंगे ठीक है रूल फोर क्या बोल रहा है सब रूल फोर सब रूल फोर बोल रहा है कि यह जो इशूज होंगे यह इशू तीन तरीके के हो सकते हैं इशू ऑफ फैक्ट इशू ऑफ लॉ और मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ ध्यान दीजिए तो इशू फैक्ट का भी हो सकता है इशू लॉ का भी हो सकता है इशू फैक्ट और लॉ का मिक्सचर भी हो सकता है इसका मतलब फैक्ट का इशू का मतलब सब्जेक्ट मैटर का भी वाध्यक पेन का विवादक यह फैक्ट का इशू है लॉ का भी वाद्य क्या है मैं कह रहा हूं दिस कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू टेक अप द मैटर क्योंकि पेन के लिए मैं जिस कोर्ट में मुकदमा करता हूं मैं कहता हूं जज साहब आपको हमारे मामले को निस्तारण करने की अधिकारिता है जब अंकुर जी आते हैं अंकुर जी कहते हैं ना ना इस कोर्ट को अधिकारिता नहीं है तो जो अधिकारिता का विषय वस्तु है ये क्या है हम कहते हैं ये सूट बार्ड बाई लिमिटेशन है बार्ड बाई लिमिटेशन नहीं है अंकुर जी कहते हैं ये सूट तो बार्ड बाई लिमिटेशन है ये कानून का विषय है हम कहते हैं ये सूट बार्ड बाई रेस जुडिकेटा नहीं है अंकुर जी कहते हैं नो नो सूट दिस सूट इज बार्ड बाई रेस जुडिकेटा ये कानून का विषय है तो इशू फैक्ट का भी हो सकता है जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है इशू लॉ का भी हो सकता है कोर्ट को जोरिटिक्शन है कि नहीं अधिकारिता है कि नहीं लिमिटेशन से, से बार्ड है कि नहीं रेस जुडिकेटा से बार्ड है कि नहीं यह विधि का प्रश्न है और कहीं कहीं लॉ और फैक्ट ज्वाइंट हो सकते हैं तो इशू लॉ का हो सकता है इशू फैक्ट का हो सकता है इशू लॉ और फैक्ट का मिक्सचर भी हो सकता है ये सब रूल फोर ऑफ रूल वन में बताया गया है सब रूल फाइव में आइए सब रूल फाइव रूल वन का सब रूल फाइव क्या बोल रहा है सब रूल फाइव बोल रहा है कि कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में यह देखेगी कि पार्टीज वेरिएंस पे किस पॉइंट पे है ध्यान दीजिए फर्स्ट हियरिंग या उसके पहले फर्स्ट हियरिंग का स्टेज आर्डर पंद्रह सीपीसी में लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ दूट एट फर्स्ट हियरिंग आर्डर पंद्रह तो फर्स्ट हियरिंग या उसके पहले ही न्यायालय यह देखेगी कि कौन कौन ऐसे पॉइंट हैं जिसमें पार्टी जा रहा एट ध्यान दीजिए अगर वेरिएशन ही नहीं है पार्टी के बीच में तो विवाद कैसा विवाद तभी होगा जब दोनों पार्टी के बीच में वेरिएशन होगा दोनों पार, हम कह रहे हैं एक्स आप कह रहे हैं वाई तो अब एक्स है कि वाई है इसको डिसाइड करना जरूरी है मैं भी कह रहा हूं एक्स आप भी कह रहे हैं एक्स वेरिएशन ही नहीं है जब वेरिएशन नहीं है तो विवाद नहीं है तो फर्स्ट हियरिंग या उसके पहले ही कोर्ट को यह निश्चित करना है ऑन विच पॉइंट पार्टी जा रहा है पार्टियों को डिफरेंस है है उसी पॉइंट पे फ्रेम किया जाएगा यह सब रूल फाइव बोलता है और रूल वन का लास्ट सब रूल आई है तो नो डिफेंस की बात है नो डिफेंस ध्यान दीजिए जब डिफेंडेंट कोई डिफेंस ही नहीं देता है प्लेंटिव क्लेम करता है यह पेन हमारी है और जब अंकुर जी आते हैं तो अंकुर जी कोई डिफेंस ही नहीं देते हैं इसमें तो जब उनके तरफ से कोई डिफेंस ही नहीं है तो कैसा इशू मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी है अंकुर जी के खिलाफ अंकुर जी कोई इसमें अपना बचाव ही नहीं देते हैं इसका मतलब कि नहीं है उनकी इसका मतलब हमारी है तो इसमें इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं है तो जहां पे अपोजिट पार्टी डिफेंस नहीं देता है वहां पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ दैट कोर्ट विल फ्रेम द इशू कोर्ट फ्रेम इशू तभी करेगी वेन देयर इज डिफेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी तो उसके तरफ से बचाव होगा

बताता है मटेरियल प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन विच प्लेंटी मस्ट प्रूव फॉर इच क्लेम विच डिफेंडेंट मस्ट प्रूव फॉर इच डिफेंस तीसरी बात कहता है कि क्या है ये तो तीसरी बात ये कह रहा है कि हर मटेरियल प्रोपोजिशन पे अलग अलग इशू फ्रेम होगा चौथी बात क्या कह रहा है चौथी बात कह रहा है कि इशू जो है फैक्ट का भी हो सकता है लॉ का भी हो सकता है मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट और लॉ भी हो सकता है बात क्या बोल रहा है पांचवी बात बोल रहा है कि पार्टी किस पॉइंट करेगी और लास्ट पॉइंट नहीं, है, तो फिर फ्रेम करना नहीं है ला के द्वारा तो ये रूल वन था उम्मीद करता हूं रूल वन आपको समझ में आया होगा नियम एक आठ देश चौदह का आपको समझ में आया होगा कि इशू फ्रेम करने के सामान्य सिद्धांत क्या है अब इसी उम्मीद के साथ मैं आगे दूसरे रूल पे बढ़ता हूं रूल नंबर दो अगली स्लाइड पे आप देखें रूल नंबर टू न्यायालय द्वारा सभी विवादकों पर निर्णय नियम दो न्यायालय द्वारा सभी विवादकों पर निर्णय ध्यान दीजिए नियम दो तो रूल टू क्या बोल रहा है रूल टू बोल रहा है कि कोर्ट जो है हर विवादकों पे अलग अलग निर्णय करेगी रूल टू में सब रूल वन और सब रूल टू दो हैं ध्यान दीजिए सब रूल वन एंड सब रूल टू सब रूल वन बोल रहा है ऑल इशूज आर टू बी डिसाइडेड विद कोर्ट ऑफ लॉ ऑल इशूज ठीक है ना हर इशूज पे अलग अलग निर्णय होगा सेपरेट निर्णय होगा लेकिन अगर 10 इशू हैं तो 10 इशू पे निर्णय होगा सब पे अलग अलग निर्णय होगा ये रिक्वायरमेंट है लॉ तो ऑल इशूज इज तो टू बी डिसाइडेड सेपरेटली द कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ किसी को छोड़ देना है नहीं जनरली सीपीसी कहती है भाई आप सबको डिसाइड करें अलग अलग डिसाइड करें ताकि हर इशू में पार्टी सेटिस्फाई हो जाए कि जितने हम लोगों के बीच में विवाद थे ये सारे विवाद का निस्तारण हो गया तो इस तरीके से इसको डिसाइड करना है, ये गाइडलाइंस है सब रूल टू क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए सब रूल टू बोल रहा है कि इशू ऑफ लॉ इज टू तो बी डिसाइडेड फर्स्ट ध्यान दीजिए सब इशू पे आपको निर्णय देना है लेकिन जो विधि के प्रश्न है उनको पहले निस्तारित करना है जैसे विधि के प्रश्न का क्या मतलब जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोर्ट जैसे सूट इज बार्ड बाई लॉ यह सब विधि के प्रश्न है तो इनका निस्तारण पहले करना है जैसे मान लीजिए मैं स्पेन के लिए मुकदमा कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन में करता हूं अंकुर जी जाते हैं डिफेंस लेते हैं कहते हैं ना ना कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन इस पेन के ओनरशिप को डिसाइड नहीं कर सकते उसके पास नहीं है उसके पास अधिकारिता नहीं है तो सबसे पहले ये 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 इशू हो गया कि सिविल कोर्ट को स्पेन को निस्तारण करने की अधिकारिता है कि नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूं है अंकुर जी कह रहे हैं नहीं है तो सबसे पहले न्यायालय का क्या काम है ये निर्धारित करे कि हमको अधिकारिता है कि नहीं है क्योंकि मान लीजिए कोर्ट को अधिकारिता ही नहीं है तो फिर और सारा इशू फ्रेम करना मटेरियल मंगाना एविडेंसेस मंगाना इसका क्या मतलब है जब आपको अधिकारिता ही नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए कहिए भाई हम नहीं सक्षम कोर्ट हैं आप दूसरे सक्षम न्यायालय में चले जाइए तो इसलिए इशू ऑफ लॉ को पहले डिसाइड करने की जरूरत है यह रिक्वायरमेंट है रूल टू में तो कह रहा है इशू ऑफ लॉ को पहले डिसाइड करो जैसे जोरिस्डिक्सन जैसे सूट इज बार्ड बाई लॉ अगर यह मुकदमा किसी कानून से बाध्य है किसी कानून से प्रिवेंटेड है तो फिर मुकदमा इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा जैसे मान लीजिए, हमको मुकदमा तो तो सुना जाना चाहिए कानून कता है। नहीं। आपको तो दस दिन के अंदर आना है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी क्या आप लिमिटेशन के अंदर आए हैं कि नहीं आए परिसीमा के अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं क्या परिसीमा आपकी बीत गई है तब आए हैं परिसीमा कई तरीके की हो सकती है परिसीमा टाइम की परिसीमा परिसीमा कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार की परिसीमा परिसीमा कोर्ट के आर्थिक अधिकार की परिसीमा परिसीमा कोर्ट के विषय वस्तु के अधिकार की परिसीमा किसी भी तरीके की हो सकती है तो क्या उस लिमिट में आप आए हैं कि नहीं आए बार बाई ला तो नहीं है मामला दस हजार का है आप जिस न्यायालय में गए उसको मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन पांच ही हजार रुपए का है आपका मामला दस हजार का है आपका मामला बड़ा है आप छोटी अदालत में आ गए तो फिर भी परिसीमा फिर भी आपका कानून से बाध्य है परिसीमा है उसका उसकी सीमा पांच हजार तक की है आपका सूट दस हजार का है कैसे जाएंगे आप उसमें तो आपका सूट नहीं सुना जाएगा तो इसीलिए रूल दो में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह विधि के प्रश्न का निस्तारण करे जिसमें उसका जुडिस्डिक्शन है जिसमें उसका बार्ड बाई लॉ है इस सबको पहले निस्तारित करे अगर इसको निस्तारित कर लेती है इसके बाद जितने इशू हैं सब पे अलग अलग निर्णय करेगी तो पहले सब रूल टू इसमें पढ़ना चाहिए फिर सब रूल वन पढ़ना चाहिए रूल टू में क्योंकि सब रूल टू कहता है पहले विधि के प्रश्नों का निस्तारण होना चाहिए और जब विधि का निस्तारण पहले ही हो गया और उसमें पाया गया कि विधि से बाध्य है तो फिर सारे इशू पे जजमेंट देने की जरूरत नहीं है तो सारे पे तभी देगा जब सब रूल टू सेटिस्फाई होगा इसका तो सब रूल टू पहले सब रूल वन बाद में तो ये रूल टू है सीपीसी का आदेश चौदह का जिसमें बताया गया है सारे इशूज पे निर्णय लेकिन सबसे पहले विधि के प्रश्न पर निर्णय तो ये रूल दो था ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं अब रूल तीन पे चलते हैं रूल तीन आदेश चौदह में देखिए क्या लिखा हुआ है अगली स्लाइड में रूल तीन सामग्री जिन पर विवाद्यक विरचित होंगे नियम तीन रूल थ्री ध्यान दीजिए रूल थ्री वो कौन मेटेरियल्स हैं कौन मेटेरियल्स हैं मेटेरियल्स जिस पे इशू फ्रेम किए जाएंगे इशूज के लिए मटेरियल्स क्या है बताइए ये।, ये लिखा हुआ है रूल तीन में तो रील रू, रूल तीन तीन चीज की बात करता है कौन ऐसे मटेरियल्स हैं जिस पे विवादक की भी रचना होगी रूल थ्री बोल रहा है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर वन एलिगेशन ऑफ पार्टीज पॉइंट नंबर टू प्लीडिंग्स एंड पॉइंट नंबर थ्री कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ध्यान दीजिए यह है प्लीडिंग्स प्लीडिंग्स एंड प्लीडिंग है एलिगेशन ठीक है ना तो मटेरियल्स जिसमें इशू फ्रेम किया जाएगा रूल थ्री बताता है इशू फ्रेम करने के लिए जज साहब ज्योतिषी नहीं है कि बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने बिना किसी दस्तावेज के विवाद्य की भी रचना कर देंगे ना आंख बंद करेंगे उनको पता चल जाएगा पार्टियों के बीच में क्या झगड़ा है ना यह नहीं होता चमत्कार की कोई बात नहीं है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होना है सब कुछ दिखना चाहिए फेयर जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जस्टिस शुड तो नॉट ओनली बी डन बट सीम्स टू हैव बीन डन न्याय होना ही आवश्यक नहीं है न्याय का होते हुए दिखना भी आवश्यक है तो इसलिए जो इशू की भी रचना होगी यह ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट के आधार पर होगी यह ब्रह्म ज्ञान के आधार पर नहीं होगी

दूसरा प्लीडिंग्स ध्यान दीजिए प्लीडिंग्स प्लीडिंग क्या है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था और अगर आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देखेंगे तो, तो प्लीडिंग के लिए अलग से लेक्चर है प्लीडिंग प्लेट एंड रिटेन स्टेटमेंट इस पर एक लेक्चर है हमारा और मैंने आपको प्लीडिंग के बारे में बताया था मैं फिर से आपको रिफ्रेस कर दूं यहां पे प्लीडिंग क्या है आर्डर सिक्स रूल वन आर्डर सिक्स रूल वन सीपीसी प्लीडिंग इज दट ऑफ प्लैनटिव और प्लीडिंग इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिपेंडेंट तो प्लीडिंग प्लेंटिव का वाद पत्र है प्लीडिंग प्रतिवादी का लिखित कथन है ठीक है ना तो वादी का वाद पत्र उसका प्लीडिंग है प्लेंटिव का प्लीडिंग है प्रतिवादी का लिखित कथन प्रतिवादी की प्लीडिंग है अभिवचन है तो अभिवचन दूसरा मटेरियल है जिसपे इशू फ्रेम हो जाएगा जैसे मान लीजिए प्लैटिव अपने प्लेट में आर्डर सेवन में जब वो प्लैन ड्राफ्ट करता है इस पेन के लिए अगर अंकुर जी के खिलाफ मैं मुकदमा दाखिल करूंगा तो मैं कैसे दाखिल करूंगा मैं आदेश सात में एक वाद पत्र तैयार करूंगा आदेश सात में लिखा गया है कैसे वाद पत्र तैयार करना है आदेश सात सीपीसी में हम उसी के रूल रेगुलेशन के तहत वाद पत्र तैयार करेंगे अंकुर जी के खिलाफ और इसको लेके मैं न्यायालय में जाऊंगा तो आदेश सात में वाद पत्र है जब मैं वाद पत्र प्रस्तुत कर दूंगा न्यायालय में तो हमारे वाद पत्र के प्रस्तुत करने के बाद अंकुर जी को समझ जाएगा जब समन उनको जाएगा तो समन के आधार पर अंकुर जी न्यायालय में उपस्थित होंगे और उपस्थित होने के बाद अंकुर जी अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो जब रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेंगे लिखित कथन सब्म करेंगे तो यह प्लीडिंग अंकुर जी की होगी और जो प्लेट वाद पत्र हमने सबमिट किया है वो मेरी प्लीडिंग है तो ऑन द बेसिस ऑफ माय प्लीडिंग एंड अंकुर इश्यू मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी है अपने वाद पत्र में अंकुर जी रिटर्न स्टेटमेंट में करें ना ना यह पेन तो हमारी है तो अब दोनों लोगों के बीच में प्लीडिंग पे झगड़ा हो गया हम कह रहे हैं पेन हमारी है अपनी प्लीडिंग में वो अपने प्लीडिंग में कह रहे हैं नहीं नहीं ये पेन तो हमारी है तो अब क्वेश्चन है पेन किसकी है है तो प्लीडिंग्स प्लीडिंग्स भी मटेरियल जिस पे इशू फ्रेम हो जाएगा तो पहला इशू फ्रेम हुआ था एलिगेशन ऑफ पार्टीज उसमें प्लीडिंग अगर नहीं भी है तो चल जाएगा सिंपल एलिगेशन इज सफिशियट अगर सिंपल एलिगेशन नहीं तो जो प्लीडिंग लिखित में दिया गया है पार्टीज के द्वारा उस पर इशू फ्रेम होगा और तीसरा कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैं सबमिट करता हूं कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट करते हैं तो हमारे और उनके दस्तावेजों के आधार पे दस्तावेजों के अंतर वस्तु के आधार पे भी न्यायालय विवाद की विरचना कर सकती है तो न्यायालय के पास ये तीन मटेरियल है, हैं एलिगेशन ऑफ पार्टीज प्लीडिंग ऑफ पार्टीज एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट विच ऑफ मिनमिटेड थ्री डॉक्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ इशू की विवादों की भी रचना कर सकती है ये था नियम तीन नियम तीन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इसी कनेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं रूल चार नियम चार पे नियम चार ध्यान दीजिए नियम चार क्या बताता है? कोर्ट्स इशू कोर्ट्स, कोर्ट्स का इशू है एक दो तीन चार ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कोर्ट का कपाफटी है अब नियम चार में ये बताया गया है रूल फोर में रूल फोर में इसको मैं दो मिनट के लिए इरेज करता हूं यहां से क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी तो रूल फोर में देखिए रूल फोर में ये बात है कि इसके अलावा जो प्लीडिंग था और एलिगेशन था इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कोर्ट मंगवा सकती है अपने पास विवादकों की विरचना करने के लिए इसके अलावा कुछ और भी मंगवा सकती है क्या चीज दो बातें हैं इसमें दो बातें मैं लिख रहा हूं यहां पे ध्यान दीजिए दो बातें हैं पॉइंट नंबर वन अपियरेंस ऑफ पार्टीज अपियरेंस ऑफ पर्सन लिख दीजिए अपियरेंस ऑफ पर्सन और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिए तो यह है और यह भी नॉट मोर देन सेवन डेज में एडजमेंट भी हो सकता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या है ध्यान दीजिए रूल चार अपियरेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मान लीजिए एलिगेशन जो है पार्टीज का जो रूल तीन में हम लोगों ने देखा वो इतना सफिसियंट नहीं है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन इशू फ्रेम हो जाए उतना सफिसियंट नहीं है दूसरा जो प्लीडिंग था वो प्लीडिंग भी उतना सफिसियंट नहीं है जिसपे सारे इश्यू फ्रेम हो जाए इशू फ्रेम हुए लेकिन सारे फ्रेम हो जाए ऐसा नहीं है या जो कंटेंट आप डॉक्यूमेंट्स थे उन पे भी इशू फ्रेम हुआ है लेकिन पूरे इशू फिर भी नहीं फ्रेम हो पाए कोर्ट को लग रहा है कि इन तीनों मटेरियल के अलावा कुछ और चीज है जिसको हमको रिलाई करना चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ इशूज उसमें दो ऐसी बातें हैं अपियरेंस ऑफ एनी पर्सन मान लीजिए इशू और बढ़िया फ्रेम होता अगर किसी एक पक्षकार कोई एक पक्षकार नहीं कोई एक आदमी जो कि पक्षकार नहीं है लेकिन उस वो अगर आता और इस घटना के बारे में बताता तो शायद और भी विवादक सही तरीके के निकल के आ जाते तो कोर्ट उसके अपियरेंस को कंपेल कर सकती है कि चूंकि आप जानकार आदमी है इस मामले में आपको इस झगड़े के तह तो तो के बारे में पता है हालांकि दोनों पक्षकार हमारे पास सारी बात लेके आए हैं लेकिन आप चूंकि ज्यादा इससे परिचित हो तो आप न्यायालय में उपस्थित होइए और आप इस घटना के बारे में थोड़ा वर्णन करें ताकि ये न्यायालय कायदे काईद, से इशू फ्रेम कर पाए शायद मैं विवादकों की विरचना में कुछ पॉइंट रह रहा होगा अगर आप बताएंगे तो शायद विवादक और अच्छा हो जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों की अपियरेंस को कोर्ट कंपेल कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में बाई समन समन भेज दिया जाएगा वैसे व्यक्ति को हालांकि वो पक्षकार नहीं है समन भेज दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा उचित और बढ़िया विवादकों की विरचना के लिए आपका न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है आप आए और न्यायालय में अपना मूल्यवान समय दें और आप न्यायालय की सहायता करें तो ऐसे व्यक्ति को कंपेल कर दिया जाएगा टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लाइन पर्सन एंड रिस्पॉन्स दर्ट क्वेश्चन तो कोर्ट के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आकर के करेगा उसके क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से कोर्ट शायद बढ़िया विवादकों की भी रचना करेगी तो ऐसे व्यक्तियों का अपियरेंस भी कंपेल किया जा सकता है पहली बात और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहीं और है जिसको पार्टी ने हमारे पास सबमिट नहीं किया क्योंकि पार्टी के पोजेशन में ही नहीं है या पार्टी जानबूझ के नहीं सबमिट किए हैं और कोर्ट को लग रहा है वो डॉक्यूमेंट बड़ा मटेरियल हो जाएगा अगर वो आ जाएगा तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा इन पार्टियों के बीच में क्या झगड़ा है और मैं अच्छे से विवादक की विरचना कर पाऊंगा या कर पाऊंगी ऐसा कोर्ट को समझ में आ रहा है तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए भी प्रोसेस इशू कर सकती है समन इशू कर सकती है कि उस डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाए तो इसके लिए भी समन इशू हो सकता है तो यहां पे व्यक्तियों के अपियरेंस के लिए या डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए कोर्ट मामले को एडजर्न भी कर सकती है नॉट एक्सीडिंग सेवन डेज ये लिखा हुआ है स्लाइड में अगर आप देखेंगे नॉट डेज एडजर्न भी कर सकती है कोर्ट मामले को स्थगित कर सकती है मामले को क्योंकि इशू फ्रेम करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत है या इशू फ्रेम करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस करने की जरूरत है तो मामले को स्थगित कर देगी नॉट एक्सीडिंग सेवन डेज मैक्सिमम सात दिन तक और उस सात दिन में न्यायालय उस व्यक्ति को या उस दस्तावेज को मंगाने का प्रयास करेगी और जब वह व्यक्ति या दस्तावेज जैसी भी सिचुएशन है आ जाता है और उसके आधार पर कोर्ट को कुछ नई बातें पता चलती हैं तो अच्छे से विवाद देखो की भी रचना होगी तो जो रूल तीन में हम लोगों ने मटेरियल देखा था उस मटेरियल में रूल चार को आप एडान कर देना रूल तीन में हम लोगों ने देखा था एलिगेशन प्लीडिंग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रूल चार में दो चीज और उसमें जोड़ दीजिए अपियरेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो ये पांच मटेरियल हो गए तीन रूल तीन में और दो रूल चार में तीन दो पांच ये पांच ऐसे मटेरियल हैं जिसके आधार पे न्यायालय इशुओं की विरचना करेगी विवादकों की विरचना करेगी तो ये था रूल एक से लेके चार तक यह कोर्ट्स इशू था कोर्ट्स इशू कोर्ट्स इशू था ठीक है ना ये न्यायालय के विवादयक थे सारे एक से चार तक और ऐसे न्यायालय विवादकों की भी रचना करेगी रूल छह और सात जब हम जाएंगे तो पार्टीज का इशू है ध्यान दीजिए रूल एक से चार कोर्ट का इशू है रूल छ और सात पक्षकारों का इश्यू है और एक रूल बीच में बच गया पांच यह विवादकों में संशोधन है तो पूरे आर्डर चौदह को आप तीन भाग में बांट सकते हैं अगर आप स्लाइड पे आएंगे तो पहली स्लाइड पे देखिए मैं इसको क्लियरली लिख दूं या शायद मैं लिखा भी होगा नहीं लिखा हूं मैं शायद देखिए पहली स्लाइड में मैं इसको लिख दूं ये आर्डर जो चौदह है ये आर्डर चौदह को आर्डर फोर्टीन को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं कोर्ट्स इशू कोर्ट्स इशू रूल एक से लेके चार तक ये कोर्ट का इशू है दूसरा हम कर सकते हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन इशू रूल पांच है और तीसरा हम कर सकते हैं पार्टीज इशूज पार्टीज के इशू जो पार्टीज फ्रेम करती है पार्टीज इशूज ये है हमारे पास रूल छ और सात तो इस तरीके से आदेश चौदह को हम तीन भाग में बांट सकते हैं तो इन तीनों भागों में से अभी तक हम लोगों ने एक की व्याख्या किया कोर्ट्स के इशू क्या है जिसमें हम लोगों ने रूल एक से चार तक की व्याख्या किया रूल एक में हम लोगों ने देखा कि मटेरियल प्रोपोजिशन कब तक सारे इशूज वेरियंस क्या है अगर डिफेंस नहीं है तो क्या होगा रूल दो में हम लोगों ने देखा सारे इशू पे जजमेंट आएंगे सारे इशू पे जजमेंट आएंगे लेकिन इशू ऑफ लॉ जो होगा उसको पहले डिसाइड किया जाएगा ये रूल, रूल तीन और चार में हम लोगों ने देखा वो मटेरियल कौन है जिसपे कोर्ट विवादकों की विरचना करेगी तो वो मटेरियल हम लोगों को पता चला था कि तीन जो है मटेरियल वो रूल तीन में है और दो मटेरियल रूल चार में है तो रूल तीन के जो मटेरियल है वो बड़े जनरल से मटेरियल मेटेरियल जिसमें एलिगेशन बड़ा जनरल कोर्ट में जाएगा ही जाएगा ब्लीडिंग्स, बड़ा है। वो ऐसा बंदा है जिसका मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है जो तीसरा पक्ष तीसरा आदमी है लेकिन वो मुकदमे में बहुत जानकार है अगर वो आएगा तो कोई ऐसी चीज बताएगा कि अच्छे विवादकों की भी रचना होगी तो रूल चार में कोर्ट उसको भी बड़ा सकती है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विवादकों की रचना के लिए बड़ा आवश्यक है तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी कोर्ट कंपेल कर सकती है और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करा सकती है तो ये दोनों एडिशनल चीज हैं जिनका एकदम से जुड़ाव तो नहीं है लेकिन ये जुड़े हुए हैं मीन कनेक्टेड टू एंड दैट इज कोर्ट में द कोर्ट ऑफ लॉर बेटर सेटलमेंट ऑफ इूज तो ये है रूल चार तो रूल एक दो तीन चार कोर्ट के विवादक हमको लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा अब आगे के स्लाइड पर चलते हैं देखिए आगे के स्लाइड पर चलते हैं रूल पांच संशोधन संशोधन पे जाते हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन ईसूज अमेंडमेंट इन विवादों में संशोधन करना है तो यह है रूल रूल सीपीसी, आदेश चौदह आदेश चौदह सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोर्ट तो आदेश चौदह का रूल पांच बताता है इूज में संशोधन ध्यान दीजिए इूज में जो संशोधन होगा ये दो बातें हैं रूल पांच में अगर आप देखेंगे सब रूल वन और सब टू। रूल टू सब रूल वन एंड सब रूल टू दो बातें हैं एक बोलता है अमेंडमेंट और दूसरा बोलता है स्ट्राइक आउट स्ट्राइक आउट इशूज ये दो बातें हैं अब एक एक करके मैं इसको बता रहा हूं ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट रूल वन सब रूल रूल फाइव सब रूल वन रूल फाइव सब रूल वन अमेंडमेंट इन इशू सब रूल वन में फिर दो बातें हैं कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट ध्यान दीजिए कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट इन इशू कोर्ट सेल अमेंडमेंट इन इशू कब कोर्ट में अलाउ में क्या मतलब कोर्ट कह भी सकती है नहीं भी कर सकती है कोर्ट संशोधन का आदेश दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है और सेल सा, सैल का क्या मतलब कोर्ट संशोधन में आदेश देगी ही देगी यह स्टेच्यूट का मैंडेट है न्यायालय को देना ही पड़ेगा क्योंकि सीपीसी उनके दिमाग के ऊपर कोई डिस्क्रिशन नहीं छोड़ती सीपीसी उनके ऊपर निर्बंधन आरोपित करती है आपको संशोधन इस दशा में करवाना ही पड़ेगा तो कोर्ट में इशू अमेंडमेंट इसका क्या मतलब इशू फ्रेम हो गया है प्लेंटिव उस इशू से खुश नहीं है या इशू फ्रेम हो गया डिफेंडेंट उस इशू से खुश नहीं है और वह न्यायालय में एप्लीकेशन देना चाहता है इस इशू इस के अमेंडमेंट करने के लिए तो आपके खुशी से तो होगा नहीं कानून के हिसाब से इशू फ्रेम होगा रूल तीन और रूल चार के मटेरियल हम लोगों ने देखा था रूल वन और टू का जनरल रिक्वायरमेंट देखा था इस सब को देखते हुए फ्रेम हुआ था तो तो इशू फ्रेम होगा आप खुश रहे चाहे न रहे लेकिन आपको मामले को रेज करने का पूरा अधिकार है अगर आप नहीं खुश हैं आप अप्लीकेशन जरूर न्यायालय में दे सकते हैं क्योंकि न्यायालय का दरवाजा सबके लिए चौबीस घंटा खुला हुआ है तो आप कोर्ट में जाकर के आप अपना अप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी नाखुशी का जब आप अपनी नाखुशी का एप्लीकेशन देंगे और कहेंगे जैसे साहब ये इशू तो गलत डिसाइड हो गया क्योंकि इस इशू से तो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है तो कोर्ट आपके एप्लीकेशन को देख सकती है अगर आपका एप्लीकेशन जेनुइन समझ में आ रहा है तो कोर्ट उसको देखेगी अगर कोर्ट को जेनुइन समझ में आ जाता है कि आपकी बात सही है तो इशू में अमेंडमेंट भी कर देगी ऐसी भी बात नहीं है कर भी देगी संशोधन लेकिन अगर कोर्ट को आपके एप्लीकेशन देखने के बाद समझ में आता है कि नहीं नहीं आपका एप्लीकेशन तो है जो दस्तावेज है, उन्हीं के पे फ्रेम हुआ है। तो खारिज भी कर सकती है, नहीं, नहीं, है। कोर्ट में यहां तो, तो कोर्ट का डिस्क्रिपन है लेकिन सब रूल वन में जो दूसरी बात है कोर्ट ये क्या चीज है ये ऐसी चीज है कि इशू तो फ्रेम हो गए लेकिन इशू फ्रेम करने के बाद वो ऐसे इशू नहीं है जिनके आधार पर रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज कैन बी डिटरमाइन इसको बोलते हैं रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट इशू किस चीज के लिए फ्रेम हुआ था मैं शुरू में ही आपको बताया था इशू इसलिए फ्रेम हुआ था कि व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी अंकुर जी कर रहे हैं उनकी है इशू क्या है ये पेन किसकी है एक्चुअल डिस्प्यूट हमारे और अंकुर जी के बीच में क्या है कि ये पेन किसकी है तो एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी डिटरमाइंड तो इशू का यही पर्पज है ना रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट तो जो रूल फाइव uh, का सब रूल वन का जो दूसरा है कि, quote, quote, करेगी दोनों के बीच में क्या रियल विवाद है क्या रियल कंट्रोवर्सी है क्या निश्चित विवादक है दोनों के बीच में क्लियर ही नहीं हो रहा है हालांकि तो क्या मतलब इशू फ्रेम भी कर दिया गया है और व्यक्तियों के बीच में विवाद क्या है पता ही नहीं चल पा रहा है तो तो इशू बेकार है तो अगर इसको कोई करेगा चाहे प्लेंटिव चाहे डिफेंडेंट है केस में भी तो कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट क्योंकि अमेंडमेंट जरूरी है इसमें क्योंकि पक्षकारों के बीच में विवाद क्या है इन विवादों से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसमें अमेंडमेंट करा दिया जाएगा निश्चित रूप से तो रूल फाइव का सब रूल वन इसमें दो बातें हैं अगर आप पढ़ेंगे बेर एक्ट में कोर्ट में अलाउ अलाउ एंड कोर्ट से सामान्य तौर पे कोर्ट में अलाउ लेकिन इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज देन कोर्ट अलाउ अमेंडमेंट तो वहां पर अमेंडमेंट हो जाए तो ये रूल फाइव सब रूल वन अब सब रूल टू है स्ट्राइकिंग आउट ई स्ट्राइकिंग आउट अमेंडमेंट नहीं अमेंडमेंट तो है कि संशोधन जो है उसको संशोधित कर दीजिए स्ट्राइक आउट का मतलब काट करके हटा दिया जाना मान लीजिए बीस इशू फ्रेम हुआ है और दस को काटने की बात हो रही है मैं कह रहा हूं जज साहब इस बीस में से ना दस को काट दीजिए तो काटने का मतलब वो सभी रेज कर दिया जाएगा संशोधन नहीं काट करके हटा दिया जाना तो स्ट्राइक आउट कब होगा जब इशूज अननेसेसरी हैं जब इशू फेवरस और वैक्सीस हैं जब इशू जो है वो स्कैंडलस हैं जब इशू जो है वो इंबेरेसिंग है जब इशू जो है वो डिले करेंगे ट्रायल में ये सब रूल फाइव के सब रूल टू में लिखा हुआ है अगर इस तरीके की कंडीशन पे इशू फ्रेम हुआ है तो ऐसे इशू को स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा इसको काट करके हटा दिया जाएगा तो रूल पांच में दो बातें हैं कोर्ट में अलाउ अलाउ अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन इन इशू इशू कोर्ट और दूसरी बात कहता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट इशू कब जब इशू अननेसेसरी एटसेट्रा अनिले ट्रायल एटसेट्रा है तो इनको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा तो ये रूल पांच था अमेंडमेंट इन इशू तो रूल एक से चार पहली बात हम लोगों ने देखा जो कोर्ट का इशू था रूल पांच जो दूसरी बात हम लोगों ने देखा इशू फ्रेम करने के बाद इसमें संशोधन की कितनी शक्ति है इसको स्ट्राइक आउट करने की कितनी शक्ति है अब लास्ट पोर्शन इस आर्डर का हम लोग देखने चाह रहे हैं आदेश चौदह का लास्ट पोर्शन और आदेश चौदह का जो लास्ट पोर्शन है वो पार्टीज का इशू है रूल छ और रूल सात रूल सिक्स एंड रूल सेवन तो अगली स्लाइड पे देखिए थोड़ा सा अगली स्लाइड और इसकी अगली स्लाइड दोनों स्लाइड को हम क्लब करते हैं एक साथ सोच पार्टीज के इशू पार्टीज के इशू रूल सिक्स एंड सेवन रूल सिक्स एंड सेवन ऑर्डर फोर्टीन सीपीसी ठीक है ना इसके रूल छे और सात ध्यान दीजिए क्या है रूल छे और सात रूल छे बताता है इशू बाई एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज ठीक है ना इशू बाई एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज कभी कभी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा जो भी इशू फ्रेम हुआ कोर्ट ने फ्रेम किया रूल एक दो तीन चार और अमेंडमेंट भी किया तो कोर्ट ने अमेंडमेंट किया पार्टी केवल कोर्ट को बता रहे हैं ये जो दोनों रूल है ये थोड़ा अलग तरीके की बात करते हैं क्या कह रहे हैं ये पार्टी खुद एग्रीमेंट में इंटर इंटू हो सकते हैं दोनों पार्टी और इंटर इंटू होकर के अपने से ही इशू फ्रेम कर सकते हैं और फ्रेम करके न्यायालय को ले जाके दे सकते हैं और न्यायालय से कह सकते हैं कि जज साहब ये हम लोगों के बीच में विवाद है इसको आपको निस्तारण करने की जरूरत है ऐसा भी हो सकता है यह रूल छे में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है अगर मान लीजिए हमारे और अंकुर जी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम प्लैंट और रिटर्न स्टेटमेंट तो दाखिल करते ही करते हैं हम एक दो पॉइंट पे एग्री भी कर जाते हैं कि ऐसे हम लोग कर लें अंकुर जी कहते हैं कि सर अगर कोर्ट निर्णय कर देगी कि हमको आपको इतना पैसा देना है तो मैं दे दूंगा तो आप कोर्ट से इसको निस्तारित करवा लीजिए अगर कोर्ट कह देती है तो दे देंगे इसमें हम लोग एग्रीमेंट कर देते हैं एग्रीमेंट जब कर देते हैं तो हमने न्यायालय में उस एग्रीमेंट को लेके जाएंगे कहेंगे जज साहब इस पॉइंट पे हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ मनी टेन थाउजेंड रुपीज अगर इतना आप निस्तारित हमारे फेबर में कर देंगे तो अंकुर जी कह रहे हैं मैं इतना दे दूंगा अगर कोर्ट डिसाइड कर देगी तब पहले कोर्ट मेरिट पर डिसाइड तो करे इसको हमारे खिलाफ लाइबिलिटी तो बने तब ना हम देंगे लेकिन कोर्ट को पहले डिसाइड करने दीजिए तो हम कहते हैं ये हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है और अगर आप ऐसा नहीं डिसाइड करेंगे तो मुकदमे का खर्चा मैं दे दूंगा ये हम लोगों ने एग्री कर लिया है तो ये मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा अभी कल की बात है मैं एक ड्राइवर के साथ घूमने गया था थोड़ी देर दूर के लिए कानपुर में ही तो ड्राइवर हमसे एक बात बताया मैं बता रहा हूँ इसी संबंधित है ड्राइवर क्या बोला वो बोला कि सर जानते हैं हमारा एक पैतृक घर है जो हमारे पिताजी ने बनवाया था और कानपुर शहर में ही है आईआईटी के पीछे कोई जगह बता रहा था मैं जगह का नाम भूल गया तो इसी के पीछे वो घर है उसका और उसमें वो रहता है कह रहा है कि हमारी तीन बहनें भी हैं जब मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए तो तीनों की शादी हो गई तीनों अपने घर में संपन्न है लेकिन वो तीनों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया है कि इस घर में भाई का जितना हिस्सा है उसके बराबर बराबर हम लोगों का भी हिस्सा है इस घर का चार हिस्सा लगना चाहिए और एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार चार लोगों को मिलना चाहिए इसके लेकर उन्होंने हमारे पर मुकदमा दाखिल कर दिया है तो आप जानते हैं लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार है एग्रीकल्चरल लैंड में अगर यूपी में नहीं है लेकिन घर है पैसा है इसमें लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है तो बहने हैं वो भी घर में अपना हिस्सा ले सकती हैं और इसलिए कानून का पालन करते हुए उन्होंने सूट फाइल कर दिया है यहीं पर कानपुर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग भी है तो वो हमसे बोल रहा था ड्राइवर कहता है कि जब मुकदमा दाखिल कर दिया हमारे पास नोटिस भी आ गई हम अपना डिफेंस भी सबमिट करने वाले हैं या कर दिए हैं कुछ बता रहा था लेकिन इन बिटवीन वो बहने बहने तीनों हमारी क्या की तीनों बहने जाकर के थाने में बैठ गई एक दिन और थाने में जाकर दरोगा जी से कहती हैं कि वो घर हमारा भी है और उसमें भाई रहता है दरोगा जी चलिए हमको एंट्री दिलवाइए तो दरोगा जी एंट्री दिलवाने के लिए आए तो दरोगा जी जब आए तो ये घर में इसके गेट में ताला बंद कर दी इसकी बीबी अंदर से ये बाहर निकल गया तो दरोगा जी इसको बैठा के थाने ले आए थाने ले आए तो वहाँ पे सर्किल ऑफिसर भी था सीओ भी था सीओ के सामने ये चारों पक्षकार उपस्थित हुए तो कह रहा था तीनों बहने थो जो थीं वो हमको गाली गाली देना शुरू की कि ऐसे करता है पूरा घर कब्जा किया हुआ है और हमको घर नहीं दिलवा रहा है तो इससे जब पूछे सी साहब कि भाई तुम्हारा क्या कहना है तो एक आगे हमको सर बड़ी रुलाई आ गई कि अपने बहनों के खिलाफ आज मुझे थाने में आना पड़ा मैं बड़ा इमोशनल हो गया सी ने कहा अरे भाई शांत होकर के तुम सारी बात बताओ तो मैंने सी साहब को बता दिया मैंने कहा कि साहब बात तो सही है बोल रहे हैं कि पिताजी ने बनवाया है ये भी बात सही बोल रहे हैं कि उसमें मैं अकेले रहता हूँ ये भी बात सही है कि इनकी शादी हो गई अपने घर पर रहती हैं और यह भी बात सही है कि कानून के हिसाब से इंटाइटल्ड भी है लेने के लिए लेकिन चूकी अपने घर ये संपन्न रूप से रह रही है पिताजी ने इनके शादी में जितना खर्च किया हमको तो खर्च किया नहीं तो वो तो मैं नहीं मांगने जा रहा हूं इनसे और यही एक छोटा सा घर है हमारे पास और कोई जमीन नहीं अगर इसमें ये लोग ले लेंगी तो चार परिवार रह भी नहीं सकता तीन ही कमरे का तो घर है तो पता चलेगा कि मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा तो और फिर भी इसके लिए इन लोगों ने मुकदमा किया हुआ है कोर्ट में तो अब कोर्ट डिसाइड अगर कर देगी तो मैं दे दूंगा और कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी तो कोई बात नहीं है पहले अब कोर्ट से निस्तारण होने दीजिए क्योंकि कोर्ट में तो इन्होंने मुकदमा दाखिल कर दिया ना तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए एक वटाचार इनका है जिस दिन कोर्ट डिसाइड करेगी उस दिन हम दे देंगे अब ध्यान दीजिए जिस दिन कोर्ट डिसाइड करेगी उस दिन हम दे देंगे एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में तो मान लो ये चारों भाई बहन के बीच में एग्रीमेंट हो गया जिस दिन कोर्ट जितना ऐसा डिसाइड करेगी हम तुमको दे देंगे और ये दोनों चारों एग्रीमेंट कर लेते हैं और ये एग्रीमेंट ले जाकर के कोर्ट में सबमिट करते हैं तो कोर्ट इस एग्रीमेंट के आधार पर भी निस्तारण करेगी कि क्या इसके लिए बहने इंटाइटल हैं कि नहीं है और अगर हैं उनके फेवर में डिसाइड कर दिया जाएगा और चूंकि ये ड्राइवर बोल ही रहा है कि ये दे देगा

दूसरा डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो ड्राइवर की घटना मैंने आपको बताया आप है कोर्ट डिसाइड कर देगी एक चार हम तुमको डिलीवर कर देंगे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी पैसे की बात नहीं है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या तीसरा टू एक्ट समथिंग हम कुछ करेंगे अगर न्यायालय ऐसा कर देगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे टू एक्ट समथिंग तो इन तीनों में से कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है और इन तीनों में से किसी एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट निस्तारण कर सकती है ठीक है ना तो एग्रीमेंट ऑफ पार्टी एग्रीमेंट ऑफ पार्टी तो जब ये एग्रीमेंट जाएगा एग्रीमेंट कर लेंगे चाहे तो एग्रीमेंट पेमेंट ऑफ मनी के लिए है चाहे तो एग्रीमेंट जो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है चाहे तो एग्रीमेंट है कुछ काम करने के लिए तो इन तीनों दशाओं में इस एग्रीमेंट को न्यायालय में रखा जाएगा और न्यायालय इस एग्रीमेंट के आधार पर भी इस फ्रेम कर सकती है तो क्या इसमें न्यायालय का पावर है रूल सात में लिखा हुआ है लास्ट वाला रूल है अगली स्लाइड मैं आता हूं रूल सेवन रूल सेवन देखिए न्यायालय का निर्णय इसमें कैसे होगा रूल सेवन तो रूल सेवन में निर्णय इसमें क्या करेगी कोर्ट कोर्ट इस एग्रीमेंट को अपने पास मंगाएगी कोर्ट इस एग्रीमेंट को देखेगी अगर कोर्ट को लग रहा है कि दिस एग्रीमेंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बिटवीन बिट्वीन पार्टीज ध्यान दीजिए दिस एग्रीमेंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज ड्यूली एग्जीक्यूटेड का मतलब विधित यह संविदा यह करार विधित दोनों लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है विधित का मतलब दोनों या तीनों या चारों या पांचों पार्टी इस पे सहमत हैं, किसी को किसी भी प्रकार का अंडियो प्रेशर नहीं है सारे इस एग्रीमेंट से खुश हैं अगर कोर्ट पहले इसको देखेगी अगर सारे पक्षकार खुशी खुशी इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करेगी तो हम सारे मान लेंगे तो कोर्ट इस एग्रीमेंट के आधार पर इशू फ्रेम कर देगी लेकिन कोर्ट पहले इंक्वायर करेगी कि क्या यह एग्रीमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड है कि नहीं है अगर मान लीजिए किसी को प्रेशर में लेकर के एग्जीक्यूट कर दिया है ऐसा एग्रीमेंट ऐसा लिखो साइन करो नहीं तो गोली मार देंगे और ऐसे एग्रीमेंट हो गया है तो कोर्ट इस पर विवादक नहीं फ्रेम करेगी तो कोर्ट इंक्वायर करेगी कि क्या यह एग्रीमेंट ड्यूली फ्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर दू कोर्ट यह देखेगी क्या यह एग्रीमेंट फिट टू बी डिसाइडेड है यह एग्रीमेंट इशू फ्रेम करने के लिए फिट डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर इशू फ्रेम कर दिया जाए तो अगर कोर्ट को यह समझ में आता है कि हाँ ये एग्रीमेंट इज फिट डॉक्यूमेंट टू तो फ्रेमिंग द इशू तो कोर्ट इस पर देगी तो ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड फिट टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन ये दो बातें हैं इन दोनों को कोर्ट इंक्वायर करेगी रूल सेवन में और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये दोनों चीज एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट इस संविदा इस आधार पर इस एग्रीमेंट के आधार पर इस करार के आधार पर इशू फ्रेम कर देगी कोर्ट इसमें प्रोसीड करेगी कोर्ट प्रोसीड करके इसमें इशू फ्रेम करेगी इशू फ्रेम करने के बाद इसमें जजमेंट देगी और जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी डिक्री फॉलो दी जजमेंट ये रूल सात में लिखा हुआ है डिक्री सेल्फ जजमेंट ये बात हम लोगों ने धारा तैतीस आदेश बीस में पिछले लेक्चर में देख लिया है कि पहले निर्णय होगा फिर डिक्री होगी डिक्री सेल्फ दी जजमेंट इफ जजमेंट इज इन द फेवर ऑफ द्लेंटिव then decree must also be in the favor of plaintiff it is not the situation that the defendant has been pronounced in the favor of plaintiff and decree has been pronounced in the favor of defendant this is not the situation to jab decree hogi usi mein judgment bhi hoga decree shall follow the judgment wahi cheez yahan pe bhi likha hua hai अगर इस agreement पे court सेटिस्फाई हो जाती है accordingly इसको decide कर देती है तो जजमेंट हो जाएगा और जजमेंट को decree follow करेगी तो ये last rule था जिसमें हम लोगों ने देखा न्यायालय की क्या शक्ति है जब पार्टी एग्रीमेंट से इशू फ्रेम करेंगे तब तो कोर्ट इसको इंक्वायर इंटू करेगी सेटिस्फाई होगी जेन्यस भी सेटिस्फाई होगी फिटनेस भी सेटिस्फाई होगी कोर्ट प्रोसीड करेगी जजमेंट देगी और डिक्री हो जाएगा ठीक है तो ये सारे प्रावधान थे रूल एक से लेकर के रूल सात तक जो आदेश चौदह सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित हैं जो विवादकों की विरचना की बात करते हैं कुछ विवादक ऐसे हैं जो न्यायालय विवाद मींस भी रचना करती है कुछ विवादक ऐसे हैं जो पार्टी भी रचना करके न्यायालय के पास ले जाती है और कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर विवादकों में संशोधन भी हो सकता है और उसे स्ट्राइक आउट भी किया जा सकता है तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दू क्या हम लोगों ने देखा था जल्दी जल्दी रिफ्रेश में मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको हम लोगों ने देखा था रूल एक से चार ये पहला ग्रुप था जिसमें न्यायालय की शक्ति थी इशू फ्रेम करने की तो इश्यू फ्रेम करने में हम लोगों ने न्यायालय की शक्ति में देखा कि मटेरियल प्रोपोजिशन की बात थी मटेरियल प्रोपोजिशन एक पार्टी डिनाई करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा इसी आधार पर इशू फ्रेम हो जाएगा दूसरा हम लोगों ने देखा था मटेरियल प्रोपोजिशन क्या है तो हम लोगों ने देखा था मटेरियल प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जो प्लेंटिव अपने क्लेम को साबित करने के लिए और डिफेंडेंट अपने डिफेंस को साबित करने के लिए बोलेगा तीसरा हम लोगों ने देखा था हर एक मटेरियल प्रोपोजिशन पे अलग अलग इशू फ्रेम होगा चौथा हम लोगों ने देखा था इशू फैक्ट का भी हो सकता है इशू लॉ का भी हो सकता है इशू जो है मिक्स फैक्ट और लॉ का भी हो सकता है पांचवा हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट हियरिंग उसके पहले ही कोर्ट यह सेटिस्फाई करेगी कि पार्टी किस पॉइंट पे वेरिएंस पे है जिस पे वेरिएंस पे होंगे इशू इशू फ्रेम होगा और छठवां पॉइंट रूल वन का कहता है कि अगर डिफेंडेंट का कोई डिफेंस नहीं है तो इशू फ्रेम नहीं भी करने की आवश्यकता है तो यह था रूल एक रूल दो में लिखा हुआ है क्या कि कोर्ट क्या करेगी कोर्ट सारे इशू पे अलग अलग जजमेंट देगी लेकिन सब रूल दो में लिखा हुआ है कि पहले विधि के इशू को डिसाइड किया जाएगा विधु के इशू का पहले निस्तारण होगा जैसे जुडिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट जैसे बार्ड बाई लॉ और रूल थ्री बोलता है कि कौन ऐसे मेटेरियल जिसमें इशू फ्रेम होंगे तो रूल थ्री में तीन मटेरियल की बात की गई है पहला मटेरियल है एलिगेशन ऑफ पार्टीज दूसरा मटेरियल है प्लीडिंग्स ऑफ पार्टीज और तीसरा मटेरियल है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट तो इन तीन डॉक्यूमेंट के आधार पर इशू फ्रेम किया जाएगा और ये रूल तीन में लिखा हुआ है और रूल चार किस चीज की बात करता है रूल चार कह रहा है कि यही तीन डॉक्यूमेंट नहीं इन तीन डॉक्यूमेंट के अलावा भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको मंगाने की जरूरत है या कोई ऐसा बंदा है जिसको कोर्ट में अपीयर कराने की जरूरत है फॉर बेटर सेटलमेंट ऑफ इशूज तो कोर्ट में इशू समन फॉर अपियरेंस ऑफ पार्टीज कोर्ट में इशू समन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ये रूल चार में लिखा हुआ है और उन डॉक्यूमेंट और व्यक्तियों के आधार पर भी इशू फ्रेम किया जा सकता है तो ये रूल एक से लेकर चार तक था जहां पे कोर्ट का पावर था फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशूज रूल पांच में हम लोगों ने देखा अमेंडमेंट एंड स्ट्राइक आउट इशू तो रूल पांच में कोर्ट का पावर है अमेंडमेंट दो बातें हैं कोर्ट में लग रहा है कि देखे पहले लोग क्या कह रहे हैं अमेंडमेंट जरूरत है नहीं अगर जरूरत है तो करेगी नहीं जरूरत है नहीं करेगी लेकिन अगर अमेंडमेंट रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज को डिटरमाइन करने के लिए आवश्यक है क्योंकि इशू से पता ही नहीं चला कि व्हाट इज द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द दार्टीज तो उसमें कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट तो उसमें निश्चित रूप से अमेंडमेंट अलाउ कर देगी और स्ट्राइक आउट है दूसरी बात काट के निकाल भी देगी कोई नहीं है कि जितने इशू फ्रेम हुए हैं सारे पे निस्तारण होगा काट करके निकाल भी देगी और दस हैं तो पांच कर देगी स्ट्राइक आउट काट देना और ये कब तक कर सकती है एनी टाइम बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री डिक्री पास होने के पहले कभी भी कल डिक्री प्रोनाउंस करना है आज इशू कट किया जा सकता है आज इशू में अमेंडमेंट हो सकता है ये लिमिट है वहां पर तो ये रूल चार में लिखा हुआ है ठीक है ना तो रूल एक से लेके ये रूल में लिखा हुआ है तो रूल पांच में पावर है सिविल कोर्ट का टू अमेंड एंड टू स्ट्राइक आउट कब तक एनी टाइम बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री डिक्री पास होने के पहले कभी भी तो ये रूल पांच था अब रूल छे और सात पार्टीज का इशूज था पार्टी के इशूज क्या थे पार्टी एग्रीमेंट से भी इशू फ्रेम करा सकती है अब वो एग्रीमेंट कर लेगी पार्टी किसी पॉइंट पे एग्रीमेंट किस चीज के लिए फॉर पेमेंट ऑफ मनी एग्रीमेंट किस चीज के लिए फॉर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किस चीज के लिए टू टेक एनी एक्शन और अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट से कहा जाएगा जज साहब हम लोग एग्रीमेंट में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है आप इसी भी वाध्यक को डिसाइड कर दीजिए कोर्ट उस एग्रीमेंट को ध्यान में रखेगी देखने के को बाद कोर्ट उसको इंक्वायर इंटू करेगी अगर कोर्ट को लगेगा ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड है कोर्ट के लगेगा डॉक्यूमेंट है टू फ्रेम द इशू एंड गेट द मैटर डिस्पोज ऑफ तो कोर्ट उसको देख लेगी और देख करके इशू फ्रेम कर देगी और इशू फ्रेम करके निस्तारण करेगी निस्तारण करके जजमेंट करेगी जजमेंट जब कर देगी तो उसमें डिक्री पास हो जाएगी और जब डिक्री पास हो जाएगी तो मामला कम्स टू एंड एंड हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से न्यायालय इसको फ्रेम कर देती है तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इतना रूल देखा और बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा कि ये विवादक क्या है विवादक बहुत जरूरी है किसी भी मामले को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्योंकि जब तक व्यक्तियों के बीच में विवाद क्या है पता ही नहीं चलेगा तब तक कोर्ट ऑफ लाइन इंडिया कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एडवर्सरी लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं एडवर्सरी लीगल सिस्टम में पार्टी की कंट्रोवर्सी आना बहुत जरूरी है न्यायालय में जब तक न्यायालय में पार्टी की कंट्रोवर्सी नहीं आएगी कोर्ट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट ऑफ हमारी न्यूट्रल एक्सपेक्टेटर है कोर्ट ऑफ हमारी इम इंस्टीट्यूशन है ईच एंड एवरी थिंग मस्ट बी स्टेटेड विद पार्टीज बिफोर दी कोर्ट ये कोर्ट के ये पार्टी की जिम्मेदारी है कोर्ट ऑफला में स्टेट करना नो की कोर्ट की जिम्मेदारी ये टू फाइंड आउट करना जब आप बोलेंगे उसी आधार पर फाइंड आउट करेगा तो बोलना आप ही नहीं है आप ही के बोलने के आधार पर विवादक की भी होगी तो इसलिए विवादिकों की भी जरूरी है क्योंकि जब विवादक होंगे तभी मामले का उचित निस्तारण होगा तो इसलिए विवादकों का होना बहुत जरूरी है बिना विवादक के उचित निस्तारण नहीं हो पाएगा इसलिए चलामेश्वर साहब जब हमको उस लेक्चर को दिए थे तो उन्होंने बताया था कि इशू फ्रेम करने में ऑफिसर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कभी भी प्लेंटिव और डिफेंडेंट के एडवोकेट पे नहीं रिलाई करना चाहिए इनको खुद इशू फ्रेम करना चाहिए इनको पार्टी को भी बुलाना चाहिए उनको सुनना चाहिए इनको डॉक्यूमेंट को बुलाना चाहिए कोई स्ट्रेंजर को भी बुला लेना चाहिए जो इससे संबंधित है और तब इशू फ्रेम करना चाहिए उनका कहना था इशू बड़े बैकबोन होते हैं और अगर इशु कायदे से फ्रेम हो गए तो मामले का अंतिम निपटारा हो जाएगा पार्टी सेटिस्फाई भी हो जाएंगे क्योंकि सही निर्णय हुआ है तो फिर उसकी अपील 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 सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगी और एक ही मामले के लिए कई बार कई बड़े बड़े न्यायालयों को परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि इशू आपने बहुत सही फ्रेम किया है लोगों के बीच के विवादों को आपने पहचाना है और पहचान करके आपने निर्णय दिया है तो चलमेश्वर साहब जब विवाद बोले थे तो बड़ा हमको अच्छा लगा था कि नहीं इशू फ्रेम करने में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए जज साहब लोगों को ये एक तरीके की गाइडलाइंस थे सुप्रीम कोर्ट की तो इसको हम लोगों ने देखा था तो इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया भी है भी की भी रचना कैसे और भी कितने इंपॉर्टेंट है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये सारे बताने से आपके पास पहुंच पाया होगा और मैंने शायद आपको बता दिया होगा और आपको समझ में आया होगा तो इस नोट के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को थैंक यू सो मच नमस्कार